फलान तलाक तलाक। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के छठे विद्वान और भारत के सबसे बड़े विद्वान। मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, आपने कहा कि 5-6 साल से जयंती बना रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी है। तो जयंती का मतलब होता जानना, जानकारी, डीजे बजाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, गुटखे खाना, ये जयंती। इस महापुरुष ने हमारे लिए जन्म से लेकर लास्ट तक आंदोलन करा। जब हम आज इस स्थिति में बैठे हैं और अगर टिकट दिखाऊं, ये हमारी नसब तो ना मैं खाने का सुख, ना मैं पहनने का सुख, ना मैं बोलने का सुख, समाज कहां जा रहा है सुख नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 19 जुलाई 1942 को कहा था कि अगर अपनी माँ की कोख में मर गए होते तो इस धरती का भजन करना। ये मेरे तक नहीं है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना पुस्तक दे गई। मेरी कोई विचारधारा नहीं है, बोध जी की कोई विचारधारा नहीं है, सती बाला की कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा है महापुरुषों की। एक बार क्या हुआ, एक सुंदर सी औरत थी, एक सुंदर सा लड़का था, एक बुजुर्ग माता पिता थे। तो बुजुर्ग माता पिता जो थे उनके काफी दिनों बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या था कि उनकी बच्चा होने से पहले लड़ाई होती थी मियां बीवी। अब एक सेठी बोल दी जो देख रहे थे उसमें कुछ बट पुरानी लड़ाई की बात हो गया। तो उन्होंने अपनी छत से खड़ा होकर देखा तो माता जी जो खाना बनाती थी वो बाबा तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बुढ़ापे में देखना कम हो जाता। तो वहां एक श्याणा कुत्ता लग रहा था, तो वो रोटी बनावा कुत्ता सहज भी खींचते, पहले चलते थे ना कुत्ते ऐसे ऐसे खींच के ले जाकर रोटी चोरा गया। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा माता जी क्या बात है, क्या लगी बेटा ही? तेरे बाबा का पता नहीं बुढ़ापे में कितना बड़ा पेट है, नहीं सारे रोटी बना उसका पेट ही ना भरा। अब फिर पूछी उसके बाबा से कि बाबा क्या बात है, माता जी से कैसे लड़ रहे हो? क्या लगे यार ये रोटी नहीं दे रही मुझे, पूरी पता ना कहां ले जा रही है, मेरा पेट ही नहीं भरता, एक आध रोटी दे रहा है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज से लड़ी हो मत, मैं एक काम करके देखे जाता। उन्होंने क्या, उन्होंने कि ये लठिया है छोटी सी डंडी और जब माता जी खाना बना रहे तो तुम इसे ठुक ठुक करते रहना ऐसे। ठीक है, माता जी ने खाना बनाया कुत्ता ठुक ठुक करने से दीजा ना लठिया से भाग जाता दूर। खाना बनाया बाबा को दिया, खाने का पेट भर गया, लड़ाई बन। जो उनके काफी दिनों बाद बच्चा हुआ वो बच्चा जवान हो गए, जल्दी शादी करो उस बच्चे की, भाई एक आध बच्चा है और वंश चल जाएगा। सुंदर थी एक महिला जो लड़की थी, उससे शादी भी पढ़ी लिखी लड़की थी। तो उस लड़की जो खाना बनाए, अब वो लड़का क्या करता था, वो देखता था बचपन में मेरा बाप करता है जब माँ खाना बना। अब वो जो है जब वो खाना बनाती तब वो लठिया देकर बैठ जाए ठुक 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 ठुक। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, लड़की पढ़ी लिखी बड़ी परेशान। उसने एक दिन क्या करा, आटा एक तरफ रखा, कहने लगी हाँ भाई क्या बात है, जब मैं खाना बनाती थी लठिया को लिया ठुक ठुक शुरू कर देता है, क्या है? क्या लगे मुझे कुछ नहीं पता, जब मेरी माँ खाना बनावे जब मेरा बाप ठुक 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 करे मुझे कल के अंधे। उन्होंने तो कुत्ते बिल्ली भगाने के लिए करी थी, उन्होंने परंपराएं बना के रही है, तो ये हमारी परंपराएं हो चुकी। एक बात और मैं आपको बता दू, एक बात क्या हुआ कि एक बुढ़े बुढ़िया थे तो बहुत समझदार धनवान, 150 बीघे जमीन औलाद कोई नहीं, 150 बीघे जमीन औलाद कोई नहीं, पुराने टाइम की बात है, पशुधन सब कुछ था। तो बुढ़ा गया मर और बुढ़िया रोना शुरू, और वहां जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग था आ गए सब लोग, तो बुढ़िया रोती रोती कहने लगी भैया बाबा वर्गा 150 बीघे जमीन है से कौन रखे। अब उसने की जो चतुर चाला के वो खड़ा हुआ, क्या लगे अम्मा दिक्कत मत मान हम देख लेंगे। अब थोड़ी देर बाद में फिर अम्मा का दर्द सा उठा, क्या लगे भैया ये यानी 50 ढोर डंगर इन्हें कौन संभालेगा। फिर दूसरा चतुर चाला का आदमी खड़ा हुआ, क्या लगे अम्मा दिक्कत मत मान हमें हम बांध देंगे। अब थोड़ी देर बाद फिर अम्मा का दर्द सा शुरू हुआ, क्या लगी बेटा ये 2.5 लाख का कर्जा जोड़गा बाबा ऐसा कौन देखेगा, क्या लगी सारा ठेका हमने नहीं रखा उसे ये देख लेंगे। माल तो ले गए अकलमंद
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आएंगे, नेता ले गए पार्लियामेंट और आरक्षण ले गए सरकारी अधिकारी या भी बाली जी, ठीक है ना। नौकरी से पहले अंबेडकर आज नहीं आए ना, नौकरी के बाद अंबेडकर आए रिटायरमेंट के बाद, तो सरकारी आदमी ले गए। अब बच्चे डॉक्टर अंबेडकर हम मजदूरों में कम पढ़े लिखे लोगों में, तो भैया ठेका था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम ले रखो है जी। आप सब लोग ये विशेष ध्यान रखो कि 25 दिसंबर हमारे लिए इस संसार के अंदर 5000 वर्षों में, 5000 वर्ष में किसी विद्वान ने हमारे लिए पहला आंदोलन करा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनु स्मृति को आग लगा, पूरे देश में विरोध हो गया था पूरे देश में कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा विधान चला दिया, मनुस्मृति यानी कि हमारा धर्म ग्रंथ ही चला दिया इसमें। और वहां के जो शाणे सूत्र थे वो कहने लगे छेड़ मत देना डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट जेल करा दे। तो हम सब लोगों को बाबा साहब की विचारधारा से ऐसा क्या है, इतिहास आपके पास नहीं है। मैं आज कह रहा हूं शेर सिंह बोध जी भी एक महीने अभी तक 14 अप्रैल तक तो इन्हें टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आप बना लेना, तो कौन सवाल लेगा सर। हम केवल ये कहते रहे हाय राम कोई आएगा शुद्ध लेने आया नहीं हमारे। अगर हम 200 या 50 या 100 किलोमीटर चल रहे हैं हम रात को क्या बजे पहुंचेंगे, सुबह क्या बजे चले हैं, तो तनखा पर तो काम करते रहे हैं। सपोर्ट और कमो ये अपने हाथ में हाथ रखा। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा तो मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बात कड़वी होनी चाहिए, क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी से कैंसर के इलाज नहीं हुआ करते, कैंसर के इलाज तभी होंगे जब उन्हें फोड़ा जाएगा, उन्हें चीरा लगाया जाएगा, उन्हें दवाई दी जाएगी। तो ये समाज में दवाई भरने का ही काम, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे स्कूलों में भेजो, अच्छे स्कूलों में भेजोगे तो कल को मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वरना गधे घोड़े तो हमारे ही हैं। और पहले भी डॉक्टर का MBBS का कोर्स 1,10,00,000 रुपए का है, 1,10,00,000। PhD नर्सिंग 4,00,000 रुपए के, 4,50,00,000। GNM कम से कम जो कुछ भी ना हो तो जो महिला है या बेटियां हैं हमारी जिन्होंने इंटर पास करी उनकी क्षमता नहीं है आगे पढ़ने की, तो वो GNM का कोर्स कर सकती है। उनका 70,000-80,000 रुपए साल का है, 3 साल का कोर्स है, और 30,000-40,000 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी तुरंत नौकरी। लेकिन हमारा ध्यान तो है क्योंकि थोड़ी देर में तो हम जागरण करेंगे, पहले कहेंगे अम्मा हो हो हो, और थोड़ी देर बाद कहेंगे रब्बा हो, अम्मा भी हो और रब्बा भी हो, दोनों चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष हम कितने ईमानदारी से गांव गांव पहुंचाएंगे ये तो वक्त बताएगा। हमारा प्रयास है आगामी 14 अप्रैल को हम सब लोग अमरोहा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विशाल जयंती आयोजित करेंगे, जिसमें देश के टॉप रईस और टॉप विद्वान उस पर होंगे। उसका प्रॉमिस नहीं है अभी किसी से भी, मैसेज आपके पास आएंगे शेर सिंह बोध जी का, तो आप सब लोग वहां जाओ जहां आप लोगों को बुला, क्योंकि हम लोग कहां जाते हैं जहां में कोई नहीं बुलाता, अचोटे पचोटे दुर्गावा नंगे पैर कोई नहीं बुलाता तुम्हें, वैष्णो देवी हनुमान जी की कावड़ लेने जा रहे हैं फलाने के लेने कोई आगा बुलाना था। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सभा हो तो हम तो देवता बन गए, फिर घर से हमें गाड़ी चाहिए फैसिलिटी चाहिए, जब हम जाएंगे मैं गलत कर रहा हूं सही कह रहा हूं, मेरा आना व्यक्त नहीं है, अगर हो तो बता दो। तो हम सब लोगों को बाबा साहब की भगवान बुद्ध की भावना ज्योति को लेकर विचारधारा को फैलाना चाहिए। अगर आप सब लोग ये बात देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस समाज के सबसे पहले विद्यार्थी थे पहले, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति जिन्होंने 10वीं पास करी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज के पहले व्यक्ति जिन्होंने इंटर पास करी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज के पहले व्यक्ति जो विदेश पढ़ने गए अमेरिका, पहले बोल रहा हूं रिसर्च कर लेना आप, एक नहीं है हमारा पढ़ा लिखा पूरे देश का,
बुजुर्ग बैठे हैं 90 साल के, उनसे पूछ लेना आपको। और क्या करा ये भी मैं आपको बता दूं, पहले व्यक्ति अमेरिका यानी कि दुनिया कब से बनी है मैं नहीं जानता कि 10-20 हजार सालों के अंदर भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर गया, एक नहीं गया, लंदन गए और वहां से पढ़ाई करके आए। और सबसे पहला केस आके भी उन्होंने मुंबई के अंदर एक बनिए के बच्चे का लड़ा लड़ा वकील साहब नहीं, जिसे फांसी से बुला छुपाया, फांसी की सजा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो शख्सियत है जिस चीज को उन्होंने छुआ उसको पारस बना दिया। इस देश में वकीलों की कमी तो नहीं है, बताओ हमारे समाज की वकीलों की कमी है क्या? बाबा साहब प्रोफेसर बने, प्रोफेसरों की कमी है क्या? बाबा साहब सामाजिक कार्यकर्ता बने, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है देश में? और दुनिया के सबसे बड़े राइटर, दुनिया के सबसे बड़े राइटर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका संग्रहालय ही मुंबई के अंदर 50,000 पुस्तकों को उस टाइम पर था जब बाबा साहब जिंदे थे, 50,000। अब बताओ हमने कितनी किताब आपके गांव में, एक किताब की सूचना नहीं है। हमने कभी 10 रुपए बाबा साहब के नाम पर समाज को भेज दिए, कभी हमने चर्चा भी नहीं करी, क्योंकि हम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं रावण से। मैं इसकी घर नहीं जाऊंगा, मैं इसकी गरीब नहीं जाऊंगा, मैं इसे नहीं बुलाऊंगा, हम सब लोग एक ही आदमी की औलाद है और एक ही आदमी को हमें समाज में काम करना। अगली बार जब आप 14 अप्रैल बनाओगे तो 14 अप्रैल 14 तारीख से लेकर वो भगवान बुद्ध की जयंती तक बनाई जाती है, कोई डेट फिक्स नहीं है 14 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल बड़ी बड़ी जो होती है उनसे समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। कोशिश पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इकट्ठा करें, उन्हें समझावे, में सिपाही से दूर रहें, फेसबुक से दूर रहें, ठीक है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मनुस्मृति आज का दहन है ये हमारे लिए पहला आंदोलन है। उसके बाद 1928 में आंदोलन करा साइमन कमीशन, उसके बाद 1930 में आंदोलन करा, उसके बाद 1932 में आंदोलन करा, उसके बाद 1935 में घोषणा करी, उसके बाद 1942 करा, 1942 के बाद में फिर संविधान करा, 18 किताबें लिखी, भारतीय संविधान लिखा। और जाते जाते इस दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे हैं जो मंगल के दिन पैदा हुए और हमारा जय मंगल कर दिया, और जाते जाते भगवान बुद्ध और उसका दम उद्दम शरण गच्छामी कर दिया। क्या हम बुद्ध की शरण में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, बुद्धिज्म अपनाएंगे, दिल से अपनाओ बाबा साहब के कहने से, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा, बातों से अंधकार खत्म नहीं होगा। अगर मुझे बाबा साहब की इच्छा नहीं होती तो मैं इतनी दूर शक्ति में नहीं आता, बहन जी नहीं आती, उनके पति नहीं आते, क्या जरूरत पड़ी है? हमारा बेटा 5 मिनट में चले जाता है, 10 मिनट यानी क्या जरूरत। तो आप सब लोग जिम्मेदारी का एहसास दो, सेठी बोझ जी का साथ दो, मेरा साथ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहां आज हूं, अगले गांव कहीं और। तो आप सब लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे इसलिए दिखाए जाते हैं कि लोग ये देख लें कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान सबके घरों में होना चाहिए, भगवान बुद्ध और उसका दम सबके घरों में होना चाहिए। हम पढ़ेंगे जब तो पढ़ेंगे, और जब हम लड़ेंगे तो लड़ना सबके लिए है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षित हम किताबों का ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा, मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं पहले और उसके बाद लिखा। जिस व्यक्ति को अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है कि डॉक्टर पीआर अंबेडकर 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एक ला है, और उसकी एक किताब उसके समाज में नहीं है, इससे बड़ी दूर मरने की बात है क्या है? देवताओं की तरह तुम्हें बुलाना पड़ रहा करो। एक घटना मैं आपको बता दूं जो आपको जोड़ेगी, शाम को सोचने नहीं देगी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन के लिए चलते हैं 1930 में,
और पहला बुलावा हमारा आता 12 नवंबर का 1930। डेट इसलिए बता रहा हूं कि याद रखना आप लोग, मां की कोख से राजा नहीं हुए हो और ना 100-200 साल हो गए तुम्हें, ये तो 40-50 साल की रवाना। जब गोलमेज सम्मेलन के लिए हमारा बुलावा आया अंग्रेजों से, तो बाबा साहब क्या करते थे, जो बोध जी ने अभी बताया, दो मिनट में बात खत्म कर दो, जो बोध जी ने अभी पढ़ा के बताया, उस टाइम पे जो हमारी घटनाएं होती थी, ये मार दिए, काट दिए, कोई रिपोर्ट नहीं, तो अखबार जो चलते थे, अखबार में बाबा साहब कटिंग रख लेते थे, सुबह का अखबार लगावा कि भाई यहाँ का घटना हुई और यहाँ घटना हुई। तो क्या होता है कि जब वहां बोलने का बाबा साहब को टेबल कॉन्फ्रेंस में नंबर आया, तो बाबा साहब उठे और बोलना शुरू करा, क्योंकि देश करवट ले रहा था आजादी की, और बाबा साहब समझ गए थे कि इनके आजाद होने से पहले हमें हमारे अधिकार। वहां पर सब लोग बुलाए हुए थे, तो वहां एक वो है मदन मोहन मालवीय हमारे देश, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस यूनिवर्सिटी। बाबा साहब ने अपनी बात रखी तो वो खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं, डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर माय ब्रदर, मेरा भाई है डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझ गए, उन्होंने कि क्या कहा मिस्टर मदन मोहन मालवीय, कि डॉक्टर अंबेडकर माय ब्रदर। उन्होंने वेटर को बुलाया और कहा ये लो पंडित जी पानी पियो, पंडित जी का पंडित जी जाएगा, कहने लगे मैं छूट के हाथ का पानी पीऊंगा, उन्होंने की कोई बात नहीं पंडित जी अपने हाथ से पानी पिला दू, कहने अच्छा एक ब्राह्मण अछूत को पानी पिलाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिस्टर वैद्य बहनो, आपके पत्रकार, आपके रिपोर्टर, आपकी सभा, आपकी सरकार, ये रही कटिंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसको सच मान लो, और ये कटिंग जो आपकी है ना, ये लो अब किसे सच मान लोगे, ये आदमी तुम ही कह रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर 500 ग्रेजुएट के बराबर एक लाया है, ये हालत तो मेरी है और मेरा तो कहना समाज ही अनपढ़ हो, इसको कुछ भी नहीं है अधिकार, जाने से पहले मुझे अधिकार चाहिए। और वो कौन से थे, 3 लाख रुपए का BHU को देखते हो बनारस यूनिवर्सिटी को, और 3 लाख रुपए देते हो उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मुस्लिम को, 3 लाख मुझे भी चाहिए, आप हिंदू ने मगर नहीं, हम हिंदू नहीं, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, कौन हो अंटे के बाद हमें तो छोड़ने से पाप हो जाए। 3 लाख रुपए दिए और शिक्षा पर लगाए 16 आदमी विदेश पर, 16 में से 15 तो रह गए कलर टीवी और संगीत सीसी में, वो लौट के भारत में आए, एक आदमी भारत आए और वो बने देश के महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण, बाबा साहब के बेटे थे। तो बाबा साहब ने हमारे सही करा गलत करा, आप लोग प्रयास करेंगे, आप कभी भी बुला सकते, मैंने आपको कीमती समय दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय भी, जय भी, जय भी, कभी फिर मुलाकात होगी, और बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर साथ पर उल्लू बैठा है। जय भी।